नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। पाकिस्तान एक ऐसा देश जहां आतंकवादी पनाह लेते हैं, ये बात तो सभी को पता है। पाकिस्तान हमेशा कश्मीर का राग तो अलापता है, लेकिन उसे अपने घर के हालात का जरा भी ख्याल नहीं है। सबसे पहले तो वहां की जनता कई दिनों तक सत्ता की अस्थिरता झेलती रही। राजनीतिक उठापटक के बाद वहां नई सरकार का गठन तो हो गया, लेकिन भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई, ऐसी कई समस्याएं हैं जो पाकिस्तान के लिए चुनौती हैं। लेकिन आतंकवादियों को जिस तरह से पाकिस्तान पनाह देता है, ये पूरी दुनिया के लिए समस्या है। हालांकि पाकिस्तान में आए दिन आतंकी हमले होते ही रहते हैं। कई ऐसे आतंकी संगठन हैं जो पाकिस्तान के लिए खुद खतरा हैं। रोज की तरह पाकिस्तान में मंगलवार का दिन भी बेहद साधारण तरीके से शुरू हुआ, लेकिन शाम होते होते सिंध प्रांत की राजधानी कराची में डरावना बन गया, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी के भीतर एक वैन में ब्लास्ट हो गया। जानकारी के अनुसार इस धमाके में 4 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें एक पाकिस्तानी ड्राइवर और 3 चीनी नागरिक शामिल हैं। इसके अलावा 2 लोग घायल भी हुए हैं, जिसमें से एक चीनी नागरिक शामिल है। धमाका यूनिवर्सिटी के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के पास एक वैन में हुआ। इस धमाके को फिदायीन हमला बताया जा रहा है, जो दोपहर करीब 2:30 बजे के आसपास हुआ। वहीं इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी BLA ने ली है। BLA यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक लिखित बयान में कहा है कि बलूच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड कराची में चीनियों पर हमले की जिम्मेदारी लेती है। ब्रिगेड की पहली महिला फिदायीन ने इस हमले को अंजाम दिया है। फिदायीन शारी बलूच ने आज बलूच विद्रोह के इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया है। आपको बता दें कि चीन न सिर्फ पाकिस्तान का दोस्त है, बल्कि आर्थिक रूप से उसका मददगार और बड़ा निवेशक भी है। इसलिए पाकिस्तानी जमीन पर चीनी नागरिकों की मौत दोनों के बीच तनाव पैदा कर सकती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि BLA ने चीनी नागरिकों को निशाना क्यों बनाया है। दरअसल चीन के लिए BLA का गुस्सा बहुत पुराना है। विद्रोही समूह BLA पाकिस्तान में चीनी परियोजना CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की मुखालफत करता रहता है, और इसीलिए चीनी नागरिकों और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमले भी करता है। इस आर्थिक गलियारे का रूट बलूचिस्तान से होकर गुजरता है, इसीलिए अलगाववादी संगठन CPEC मार्ग और सीमा रेखा क्षेत्रों के आसपास संवेदनशील सुरक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे हैं। आपको बता दें कि बलूच विद्रोही पिछले कई दशकों से सक्रिय हैं। इनका आपस में विभाजन बढ़ता ही जा रहा है और पश्तूनों के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा रहती है। अक्सर पंजाबियों से भी बलूचों का संघर्ष होता रहता है। पाकिस्तान में चीनी नागरिकों की हत्या का ये एक और मामला है। देखने वाली बात ये होगी कि चीन इस पर किस तरह से प्रतिक्रिया करता है, और ये हमला चीन पाकिस्तान संबंधों को किस तरह प्रभावित करता है, और BLA द्वारा फिदायीन हमले के कबूलनामे के बाद पाकिस्तान इसके खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, चीनी नागरिकों के मारे जाने के बाद चीन भी पाकिस्तान पर इनके खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बनाएगा।